वो तो ये जानते हैं कि जातियों में नफरत फैला दो, धर्म में जहर घोल दो, तो आपकी सत्ता बन जाएगी। हमारा कभी झगड़ा किसी से नहीं हो सकता। आपने हिंदू समाज को बांटा, तो ये जानते हैं कि जात और धर्म के आधार पे आए हैं। ये जो गठबंधन हुआ, जाहिर है ये कोई एक रात में तो हुआ नहीं, इसका लंबा प्रयास चला होगा। इस पर आप बहुत ज्यादा खुलकर बोल नहीं रहे हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई? चुनाव तो समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से लड़ रही थी, और जितने हमारे समाजवादी कार्यकर्ता नेता होंगे वो इस बात को जानते हैं कि बहुत दिनों से हमारी इस बात की तैयारी चल रही थी कि ये दो उपचुनाव जब होंगे तो पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी हो। और आप जानते हैं उसका परिणाम ये है, हम दूसरे को उपमुख्यमंत्री नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि दोनों मुख्यमंत्री थे। एक चुनाव वाले थे मुख्यमंत्री, क्योंकि चुनाव में उनका नाम ज्यादा चल रहा था, एक चुनाव के बाद, तो हम तो दोनों को मुख्यमंत्री मानते हैं। दोनों मुख्यमंत्री वहां से हार गए। इसके लिए तमाम दलों का धन्यवाद देता हूं मैं, और बहुजन समाज पार्टी का भी। इसका आपने एक पोस्टर छपवा लिया, और पोस्टर में चूंकि हम लोग इस तरह का पोस्टर छपे तो उसको और बहुत करीब से देखते हैं, देख रहे हैं कि आपकी तस्वीर छोटी, उनकी तस्वीर बड़ी, आपकी तस्वीर नीचे, उनकी तस्वीर ऊपर, तो ये क्या संकेत है आगे के लिए? जहां तक अगर वो पोस्टर की बात है, अगर और ध्यान से उसको देखें तो जो जिसने लगाने वाला है, जिसने पैसा खर्च किया है, उसकी फोटो हम दोनों से बड़ी है। बिल्कुल। क्योंकि जो पैसा खर्च कर रहा है वो जानता है कि किसकी तस्वीर लगानी है, तो उसने उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता की बड़ी तस्वीर लगाई, मेरी छोटी लगाई, क्योंकि एक ही बार मुख्यमंत्री बन पाए, और उसने अपनी हम दोनों से बड़ी लगाई, क्योंकि असली में पैसा तो उसी का लगा था उसमें। क्योंकि अभी मैं मुख्यमंत्री जी का सुन रहा था, वो संविधान को कुछ समझते ही नहीं। ये पहले मुख्यमंत्री देश के होंगे जो संविधान को कुछ समझते ही नहीं, और इसलिए कि उन्हें समाजवाद शब्द से बड़ी नाराजगी है। उन्होंने कहा बस चला दी, समाजवादी नाम दे दिया, एम्बुलेंस चला दी, समाजवादी नाम दे दिया, और सरकार में आकर के उन्होंने कोई काम नहीं किया बड़ा, बस समाजवादी शब्द हट जाए यही सबसे बड़ा काम था। सोशलिज्म से चिढ़ते हैं, और इसीलिए मैं अपने साथ एक कागज लाया था कि कम से कम सोशलिज्म से चिढ़ने वाले आखिरकार अपने नाम से किताब सोशलिस्ट क्यों बनवा रहे हैं। अच्छा, जो सोशलिज्म से चिढ़ रहे हैं वो अपने नाम से किताब बना रहे हैं कि द राइज ऑफ सैफरन सोशलिस्ट। कमाल है, शायद मुख्यमंत्री जी ने अपनी ही किताब नहीं पढ़ी होगी। सोशलिज्म में क्या फर्क है हमें नहीं पता। नहीं, आप जोश में मुझे लगता है कि आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो संविधान में विश्वास नहीं रखते। हाँ, मैं ये कहता हूँ। आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? सदन में कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, क्या चुनाव के लिए हिंदू थे? वो वोट लेने के लिए हिंदू थे क्या? उन्होंने सदन में कहा, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं किसी नमाज नहीं पढ़ता या ईद नहीं मनाता हूं, ये कहते हैं बताओ। पर हिंदू हैं, हिंदू इसलिए वो नमाज नहीं पढ़ते। हमने भी कहा कि हम भी बैकवर्ड हिंदू, हमें भी गर्व है। ये क्या बात हुई? हमें उनसे ज्यादा गर्व है, हम तो फॉरवर्ड समझते रहे अपने आप को, लैपटॉप बांट के फॉरवर्ड समझ रहे हम। ये बताइए कि योगी जी ने जो काम किया उसकी तुलना आप अपने पहले साल से कैसे करते हैं, और आपको क्या पाते हैं, क्योंकि योगी जी भी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। कितने किसानों का कर्ज माफ हो गया? संख्या तो बताई थी लाखों, कुछ भी नहीं हुआ, और वही परिणाम आप देख लीजिए दोनों जगह। इसलिए काम तो कोई किया नहीं इन्होंने, और काम से अगर सरकार में आए होते, वो तो ये जानते हैं कि जातियों में नफरत फैला दो, धर्म में जहर घोल दो, तो आपकी सत्ता बन जाएगी। तो जो लोग जात और धर्म के बहाने आए सत्ता में आए हों, उनसे काम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम बमूल के पेड़ पे कहें कि आम मिलेगा, कैसे हम उम्मीद करें उस बात की? इनके भाषण सुनिए, ये जो आज आपको भाषण दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कभी काम के भाषण ही नहीं दिए। आसिफ खान है ये, और ये पूछ रहे हैं कि जब आपके परिवार के साथ आपकी सरकार नहीं चल पाई तो क्या मायावती जी के साथ आपका गठबंधन चल पाएगा? परिवार का हाल क्या है अभी? वैसे सब ठीक है, और तो
तो जो जो अपने परिवार के झगड़े से बच सकता है या उस झगड़े को समझ सकता है वो हर झगड़े में रास्ता निकाल सकता है। सबसे खराब तो अपने ही परिवार का झगड़ा होता है, हमारा कभी झगड़ा किसी से नहीं हो सकता, तो और अगर होगा भी तो कोई रास्ता निकाल लेंगे। जहां तक कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आज एक विधायक जो लखनऊ में, उनकी बहन क्या डकैती हो गई और चोर जाते जाते कहता गया कि हमारी मजबूरी है चुराना। और इनके मंत्री लोग क्या कह रहे हैं इनके बारे में कि पहले भ्रष्टाचार जो होता था उससे कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अभी इनके मंत्री बोल रहे हैं, पर ये पर बीजेपी का जो आंकड़ा है वो कह रहे हैं कि हमारे 28 वोट बचते हैं। अगर इसको सवाल को घुमा के पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि आपके विधायक कैसे हैं कि बिकने को तैयार बैठे हुए हैं, कोई खरीदना चाहे तो बिकते क्यों हैं आप लोग? अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि भ्रष्टाचार ना बढ़े, तो आप ये मौका क्यों दे रहे हैं दूसरों को? आप बिकते क्यों हैं? आप जानते हो आपके पास गिनती नहीं है, तो आप क्यों इस तरह की बात को खोल के ला रहे हैं सामने? ये तो जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है, सरकार के लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। बीजेपी ने पहले भी यही किया था, एक बहुत पैसे वाले किसी को यहां चुनाव लड़ाया था, वो तो अच्छी बात थी, सरकार हमारी थी, भ्रष्टाचार नहीं हो पाया, जो एक्स्ट्रा लड़ा था वो वापस चला गया गुजरात, आप पता करिए। पर ये जो बीजेपी का जो उफान है, जिस तरह से 20-22 राज्यों में उनका एक तरीके से भी सरकारें हैं या गठबंधन है, अगर आप देखें तो 67-68% भूभाग पर उनका एक तरीके से देश में उनकी सरकारें हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हो रहा है कि इतना उत्थान हो रहा है बीजेपी का? मैं उन्हीं की बात से बात निकालता हूं। उन्होंने ये कहा ना कि पूरे देश में सूरज उगना शुरू हो गया है, तो बीजेपी ये क्यों भूल जाती है कि सूर्य अगर उगेगा तो सूर्य अस्त भी होगा। अगर वहां पर सूर्य उगा है तो यूपी में सूर्य अस्त होना शुरू हो गया है। पर उसमें तो उन लोग सीधा आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने ऐसा गठबंधन किया अनैतिक, जिसकी वजह से जो हिंदू समाज है उसमें बंटवारा हुआ, आपने हिंदू समाज को बांटा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का पता कर लीजिए, हम एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, हम मेट्रो की बात कर रहे थे, हम समाजवादी पेंशन की बात कर रहे थे, 100 नंबर की बात कर रहे थे, 108-102 एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, किसानों को फ्री सिंचाई दे रहे हैं उसकी बात कर रहे थे, शिक्षा मित्र को हमने जो सम्मान दिया था उसकी बात कर रहे थे। और शिक्षा मित्र को अगर किसी ने उलझाया है तो यही बीजेपी के लोगों ने, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने शिक्षा मित्र बनाए थे और इन्हीं ने शिक्षा मित्रों की जान ले ली और इन्होंने ही नौकरी ले ली। अगर इनके पास था संसाधन, अब तो दोनों सरकार है इनके पास, दिल्ली में भी सरकार है इनके पास, यूपी में भी सरकार है, आप क्यों नहीं फंड लाते और इनको सबको नौकरी देते और टीटी वालों को भी नौकरी देते? हम किसी खिलाफ नहीं है, बीटीसी वाले लाठी खा रही हैं, कह रहे थे आते ही हम नौकरी दे देंगे, नौकरी नहीं निकाल पाए और ना दे पाए किसी को। तो ये जानते हैं कि जात और धर्म के आधार पे आए हैं, कि हम अपने आप को फॉरवर्ड समझ रहे थे, हम बीजेपी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें बैकवर्ड बता दिया, हमारी गलत फहमी बीजेपी ने दूर कर दी, उसके लिए हम बीजेपी के लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं। पर ये बात तो उनकी सही बैठती है, अगर वो कह रहे हैं हिंदू समाज को बांट दिया, आपने दलित एक तरफ कर लिए, आपने यादव और कुछ पिछड़े एक तरफ कर लिए, निषाद एक तरफ कर लिए, आपने समाज को तो तोड़ने का काम किया ही ना? हमने कभी समाज को तोड़ने का काम नहीं किया, हमारी कोशिश रही है कि समाज के सब वर्गों को लेकर के एक साथ चलें। और हम तो कहते हैं ना, बीजेपी के लोग डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, हम भी उनका स्वागत करते हैं डिजिटल इंडिया के लिए, हमने लैपटॉप बांटे थे 18 लाख, सब जाति धर्म के लोगों को मिले हैं, हम उनसे कहते हैं कि हम सबको जोड़ लो, जिस तरीके से आपने राशन कार्ड जोड़ दिया आधार से, जिस तरीके से आपने बैंक अकाउंट आधार से जोड़ दिया, जिस तरीके से और सुविधाएं आपने आधार से जोड़ दी, हम सबको भी आधार से जोड़ करके गिनती करके बता दो कौन कितना है और सबको आबादी के हिसाब से उनको हक दे दो, सम्मान दे दो, हम आपसे झगड़ा करना ही नहीं चाहते हैं, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते आपसे। आप जाति के आधार पर चाहते हैं जनगणना? हम बिल्कुल उसके पक्ष में हैं, कभी जाट आंदोलन कर रहे हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, कभी गुजर भाई कह रहे हैं कि हमें भी आरक्षण चाहिए, अभी पट्टीदार कहते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, ये हमारे मराठा लोग आंदोलन कर रहे थे हमें भी आरक्षण चाहिए, ये आखिरकार आग किसने लगाई थी? ये आग तो बीजेपी के लोगों ने लगाई थी, ये बीजेपी के लोगों ने आंदोलन चलवाए थे।
तो हम तो कहते हैं किसी में झगड़ा ना हो, हमसे कुर्मी नाराज ना हो, हमसे मौर्य नाराज ना हो, हमसे और लोग नाराज ना हो, सबको गिनती कर लीजिए। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। म्यूजिक जो सबसे ज्यादा चोर है, डाकू है, वो बहुत बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं। चेहरा देखो। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।